YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए। काशी पंचांग के अनुसार आज दिनांक 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार है। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज शुद्ध श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दिन में 10:12 तक रहेगी, उसके बाद पूर्णिमा रहेगी। नक्षत्र धनिष्ठा रात में 9:45 तक है, उसके बाद शतभिखा नक्षत्र है। सूर्योदय 5:42 पर होगा, जबकि सूर्यास्त 6:18 पर होगा। आज दिन में 10:12 से रात 8:58 तक भद्रा है। भद्रा के दौरान कई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। आज भद्रा के बाद गृहारंभ के लिए मुहूर्त है। आज रक्षाबंधन का पुनीत पर्व मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के पर्व में भद्राकाल का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि भद्रा के दौरान रक्षाबंधन शुभ नहीं माना जाता है। आज दिन में 10:12 के बाद पूर्णिमा का आगमन हो रहा है और 10:12 से भद्रा भी शुरू हो रही है, जो रात को 8:58 तक रहेगी। ये भद्रा कुंभ राशि की है और कुंभ राशि की भद्रा पृथ्वी पर रहती है, इसलिए आज रात 8:58 के बाद ही रक्षाबंधन का मुहूर्त है। आज व्रत की पूर्णिमा भी है। हमारी संस्कृति में पूर्णिमा अत्यंत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्रदेव को माना गया है। सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए इस तिथि में जन्मे जातकों को भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए और कथा सुननी चाहिए, इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज है ग्रीव जयंती भी है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ था। भगवान विष्णु के इस अवतार में उनका सिर घोड़े का और बाकी शरीर मनुष्य का था। भगवान विष्णु ने यह अवतार राक्षसों द्वारा चुराए गए वेदों को पुनः प्राप्त करने के लिए लिया था। इस दिन भगवान विष्णु के भक्त ज्ञान का आशीर्वाद पाने के लिए उनके हयग्रीव अवतार की विशेष पूजा करते हैं। आज श्रावणी उपाकर्म भी है। श्रावणी उपाकर्म में यज्ञोपवीत पूजन और उपनयन संस्कार करने का विधान है। मतलब ये कि श्रावणी पर्व पर द्विजोत्त के संकल्प का नवीनीकरण किया जाता है। उसके लिए परंपरागत ढंग से तीर्थ अवगाहन, दश स्नान, हेमाद्रि संकल्प एवं तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं। श्रावणी उपाकर्म में पाप निवारण हेतु पर द्रव्य अपहरण न करने, पर निंदा न करने, आहार विहार का ध्यान रखने, हिंसा न करने, इंद्रियों का संयम करने एवं सदाचरण करने की प्रतिज्ञा ली जाती है। आज दिन में 10:36 से पंचक शुरू हो जाएगा। ज्योतिष में 5 नक्षत्रों के विशेष मेल से बनने वाले योग को पंचक कहा जाता है। ये नक्षत्र धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र 4 चरणों में विभाजित रहता है। धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण से पंचक प्रारंभ होता है और रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण तक रहता है। आज बुधवार है और बुधवार को उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। बुधवार को घर से निकलने से पहले धनिया खाना चाहिए। तो ये था आज का पंचांग। धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ग्रह गोचर।